नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि ज़िंदगी में सक्सेसफुल किस तरीके से बने। तो डिफरेंट माइंडसेट जिन लोगों का होता है, उस माइंडसेट को आप चेंज कीजिए, पॉजिटिव सोचिए। आप अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ, ठीक है। जो काम आप कर रहे हैं, जो लोग काम सक्सेसफुल लोग कर रहे हैं, उन लोगों के साथ आप रहिए और वो लोग आपको सक्सेसफुल ज़िंदगी में कैसे होते हैं उसके लिए आपको टिप्स देंगे, ओके। आप जो ज़िंदगी में कर रहे हैं, जो भी एट प्रेजेंट, अगर उससे आपकी लाइफ चेंज नहीं हो रही तो आप उससे अलग हट करके कुछ करने की कोशिश कीजिए जो आपकी लाइफ को चेंज कर सके। ज़िंदगी में गुड और बैड कुछ भी नहीं होता, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपना एफर्ट कैसे लगाते हैं। तो ज़रूरी है, उसके लिए हार्डवर्क कीजिए, काम करते रहिए, कर्म करते रहिए, फल आपको ज़रूर मिलेगा। जो लोग सक्सेसफुल हैं, ऑलरेडी ऊंचाई पर हैं, उन लोगों के साथ रहिए। वो लोग आपको सही रास्ते में और सही सक्सेसफुल का रास्ता किस तरफ से जाता है उसके बारे में आपको गाइड करेंगे। जो आपकी जनरेशन में जो चल रहा है, बाप दादा परदादा ने जो किया उन्होंने अच्छा किया आपके लिए, लेकिन आप अपने बच्चों का भविष्य चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, अगर वो रास्ता सक्सेसफुल नहीं है तो हमें अपनी लाइफ के अंदर एक ऐसा पड़ाव पे जाना होगा जो रास्ता हमें सक्सेसफुल कर सके, जिस रास्ते पे हम जा सके। और जिन जंगल का राजा बनना आसान तभी होगा, जन्म से ही कोई राजा नहीं होता दोस्तों। राजा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। तो आप लोग हार्डवर्क कीजिए, अपने फील्ड के राजा बनिए। जो सक्सेसफुल लोग हैं, ऊंचाइयों पर हैं, तो वो आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं कि कैसे सक्सेसफुल बनते हैं और सक्सेसफुल बनने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो आपको सही रास्ते से का गाइड करेंगे। और जो भी आपके दोस्त हैं आपके सामने आपको बढ़ा चढ़ा करके रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों का साथ लीजिए जो आपको ऊपर तक ले जा सके और सही ज्ञान करवाएं आपको। तो जितने भी जो सक्सेसफुल के मंत्र हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको हम्बल होना है और आपको नरमी से सबसे पेश आना है और आपको अपना जो स्वभाव है वो चेंज करना पड़ेगा। सो जो लोग सही रास्ते से जा रहे हैं, सक्सेसफुल हैं, उन लोगों को आप फॉलो कीजिए। उनके बनाया गया जो पाथ है वो आपको ऊपर तक ले करके जाएगा, उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। सक्सेसफुल जैसा कि आप देखते हैं बाहर से वैसा नहीं होता, उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो वो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, उस रास्ते से गुजरना पड़ेगा आपको, ओके। ज़िंदगी में एक ही काम बार बार करने से आपको सक्सेसफुल नहीं मिलती, और ज़रूरी है कि आप जमाने के साथ चलिए, ट्रेंड के साथ चलिए, एट प्रेजेंट जो ट्रेंड चल रहा है। और जो लोग आपको हेल्प करने का नाटक करते हैं और काफ़ी टाइम से वो नाटक करते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। रियली लोगों को वेरीफाई कीजिए, जो लोग आपकी हेल्प कर पाएँ ऐसे ही लोगों के साथ आप साथ रहिए, जो आपको ऊपर तक लेके जा सके, आपकी लाइफ को चेंज कर सके। और लाइफ में सबसे प्यार कीजिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आपको अपना स्वभाव भी चेंज करना होता है, ठीक है। और स्वभाव के साथ साथ आप अपनी लाइफ की जो ग्रोथ है वो भी कर सकते हैं। पर्सनैलिटी आपकी इम्प्रूव तभी होगी जब आपका स्वभाव बिल्कुल नरम रहेगा, ओके। सो सोचने से दोस्तों कुछ भी नहीं होता, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी राइट टाइम पर, राइट अपॉर्चुनिटी को पहचानिए, वही अपॉर्चुनिटी आपकी जो लाइफ है उसको चेंज कर सकती है, ठीक है। और आप कंफर्टेबल जोन से बाहर आइए दोस्तों, कंफर्टेबल जोन से बाहर आइए और अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। कंफर्टेबल जोन में कुछ भी नहीं होता, सोचने से कुछ भी नहीं होता, एक्ट कीजिए। एक्शन लेना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या डिसीजन लिया है। तो डिसीजन लीजिए और डिसीजन फेल होने का डर मत रखिए। जब आप डिसीजन लोगे तो उसको प्रूव कीजिए, सही कीजिए, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट्स के लिए लाइफ में हमेशा काम करते रहिए, क्या पता कब आपकी लाइफ चेंज हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हमने बताई हैं उसको आप फॉलो कीजिए, और पास्ट के जो एक्सपीरियंस है उसको साइड में रखिए। फ्यूचर में आप अपनी लाइफ को बेटर किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से इजी बना सकते हैं, उसके लिए आप काम कीजिए। और लाइफ में सदा खुश रहिए दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप काम कीजिए लाइफ में, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप सब कुछ कर सकते हैं। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिव बातें लाइफ में घर में कभी ना करें, ठीक है। लाइफ में जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो लोग आपके जो स्ट्रगल आपने कितना किया है उसको नहीं देखेंगे, वो आपने जो सक्सेसफुल जिस लेवल पे आप गए हो उसको देख करके रोमांचित होंगे सभी लोग। और आप दूसरे लोगों को गाइड कर सकते हो कि यहाँ तक आने के लिए मैंने कौन सा पाथ फॉलो किया है, उसके
पाथ के ऊपर आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रॉब्लम्स लाइफ में सभी को होती हैं, ज़रूरी ये है कि प्रॉब्लम्स में आप अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके का आउटकम करते हैं लाइफ में, ठीक है। और ज़िंदगी में प्रॉब्लम सभी के साथ होते हैं, और प्रॉब्लम का दूसरा नाम है सक्सेसफुल। तो आप सक्सेसफुल तभी बन सकते हैं जब आप अपनी जो सोच हैं, थॉट्स हैं, जब तक आप उनको चेंज नहीं करेंगे, आप माइंडसेट नहीं करेंगे, कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में आपके अगर कोई आपका जो टारगेट है वो दिन रात आपको नहीं करेंगे, उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं रह सकते। और ड्रीम्स लीजिए और ड्रीम्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए दिन रात आप मेहनत कीजिए। जब आप मेहनत करेंगे तो आप उस जो लेवल है, जो भी आपका टारगेट है, लाइफ में गोल है, उस तक आप पहुंच सकते हैं अगर मेहनत करोगे तो। अगर आप सोचते रहोगे कि मेरे को ये हो जाएगा वो हो जाएगा और उसके डायरेक्शन में आप मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो आपको सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो अपने सपनों को साकार करने के लिए जो अनसक्सेसफुल पीपल्स है उनसे दूर रहिए। जो लोग सक्सेसफुल हैं और उन्होंने जो पाथ फॉलो किया है, आप भी सेम पाथ को फॉलो करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो अच्छे दोस्त बनाइए लाइफ में जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। नेगेटिव लोगों से आप दूर रहिए और काल्पनिक ड्रीम्स लेना बंद कीजिए। ड्रीम्स को साकार करने की दिशा में आप काम कीजिए और कंफर्टेबल जोन से बाहर आकर के आप काम कीजिए। सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए, सोशल मीडिया को टाइम पास की तरह यूज़ मत कीजिए। सोशल मीडिया से ज्ञान लीजिए, जितना आप ज्ञान ले सकते हैं और अपने अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, अपने बिजनेस को बढ़ाइए, ठीक है। लूज़ क्या हुआ है लास्ट में उसको आप भूल जाइए, आगे आप गेन क्या करने वाले हो उसके डायरेक्शन में आपको काम करना है। अगर आप उसके डायरेक्शन में काम करते हो तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। पास्ट को पीछे छोड़ दीजिए, प्रेजेंट में आप हार्डवर्क कीजिए ताकि आपका फ्यूचर चेंज हो सके। पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, पास्ट में जो हो गया उसको छोड़िए वहीं पे, प्रेजेंट में अच्छा काम कीजिए ताकि आपका फ्यूचर बन सके। और आज के दुनिया में जो बिजनेस ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, जो बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है वो सक्सेसफुल नहीं है। तो ऑनलाइन बिजनेस जो भी इंटरनेट के द्वारा हो रहे हैं, तो वक्त के साथ आप चलिए। जिस प्रकार से नोकिया वक्त के साथ नहीं चल पाया, उसी प्रकार से आप वक्त के साथ चलिए जो ट्रेंड चल रहा है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।